अच्छा ना उमर, आई एम सॉरी, आइंदा नहीं जाऊंगी, पक्का नहीं जाऊंगी। अब नाराज मत हो ना, बात सुनो ना। अरे सुनो ना, तुम आ गई वापस, तुम्हें कुछ दिन और नहीं रहना था वहाँ? जी, मगर वहाँ दिल ही नहीं लग रहा था, और फिर इसकी भी बहुत याद आ रही थी। मैंने सोचा अब दो दिन बहुत है, इसीलिए आ गई वापस। अच्छा किया बेटा, हम भी बहुत उदास हो रहे थे तुम्हारे बगैर। घर सूना हो जाता ना बिल्कुल, घर की रौनक ही तुम हो। अस्सलामुअलैकुम मम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मैं तुम्हें ऐसी खुशखबरी सुनाने वाली हूँ, तुम्हारी सारी नींद उड़न छू हो जाएगी। अच्छा क्या बात है? बात यह है कि तुम बाप बनने वाले हो। मेरी बहू माशाल्लाह से उम्मीद से है। जी जी क्या? मुबारक हो तुम्हें बहुत बहुत बेटा। कैसी है वो? वो मेरे पास ही बैठी है, उससे खुद ही बात कर लो ना। और हाँ, मुबारकबाद देना मत भूलना। लो बात करो। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक, आप? ठीक हूँ। अपना ख्याल रखना। आप ठीक? डॉक्टर को बाकायदगी से चेक करवाते रहना। जी। अल्लाह हाफिज़। औलाद दुनिया में आने से पहले ही माँ बाप को कैसी मजबूती से जोड़ देती है ना। घर दरअसल औलाद ही बनाती है। औरत के पांव जम जाते हैं, बहुत मजबूत जंजीर होती है ये। मर्द चाहे जैसा भी सलूक औरत के साथ करे, लेकिन अपनी औलाद को कभी निग्लेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बहुत शुक्रगुजार हूं तुम्हारी। मुझे जिन हालात में यहां आना पड़ा, मेरे दिल में बहुत डर था, बहुत वसवसे थे, लेकिन तुमने जैसे मुझे और उमर को ना प्यार दिया, बयान नहीं कर सकती मैं कितनी खुश हूं। मैं बहुत दुआ करती हूँ तुम्हारे लिए और अदनान के लिए। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे।